नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे आप लोगों के धन्यवाद और अभिनंदन के साथ कि आप लोग चैनल को और कंटेंट को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं। और ऐसे भी कई लोग हैं जो शायद कि चैनल के कंटेंट को तो पसंद कर रहे हैं पर किसी कारण से वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें अगर मैंने आपके नॉलेज में राई बराबर भी इजाफा किया है तो। तो दोस्तों, सीधे वीडियो पर चलते हैं। आज का जो वीडियो है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। और ये वीडियो बनाने की एक और वजह है कि ये वीडियो भी एक ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि जब से चैनल बना है तब से लगातार कमेंट सेक्शन में कईयों बार कई सब्सक्राइबर्स ने ये रिक्वेस्ट करी है कि सर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे एक वीडियो बनाइए। तो दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओके, तो दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो टर्मिनोलॉजी है वो दो शब्दों को मिला के बनी है, एक सर्वाइकल और दूसरा स्पॉन्डिलाइटिस, और हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। थोड़ा डिटेल में इसलिए समझ लेंगे कि आप में से ज़्यादातर जो व्यूअर्स होंगे मेरे वो आम दर्शक भी होंगे जिनको नहीं पता सर्वाइकल क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको समझने के पहले एक शॉर्ट में मैं दो चीज़ें समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। लोग इसको हड्डी को पकड़ते हैं, बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। नो, दिस इज़ नॉट द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज़ वर्टिब्रल कॉलम। जो हड्डी का ढांचा है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो है वर्टिब्रल कॉलम। उसको मैं और अच्छे से भी समझाऊंगा। और उसके बीच में, पूरी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक सेंट्रल कैनाल चलती है जिसके अंदर ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है मेडुला एब्लोंगेटा से सीधी नर्व नीचे डिसेंड होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से एकदम मुख्तलिफ हैं, एकदम अलग हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझें कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, वो बेसिकली चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है। गर्दन से ये चालू होता है बिल्कुल जस्ट ब्रेन के और हेड के नीचे से, और ये नीचे तक जाता है जस्ट हिप के ऊपर तक। तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा हमारा इतना बड़ा जो होता है ये होता है वर्टिब्रल कॉलम। ये चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ऊपर की सात हिस्से जो रहते हैं, ऊपर के सात वर्टिब्रीज रहती हैं, वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्री। उसके बाद की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, सर्वाइकल के बाद से थोरेसिक स्टार्ट होता है, और थोरेसिक होती हैं टोटल 12। ठीक है ना, थोरेसिक के बाद नीचे यहाँ बेल्ट के थोड़े से ऊपर से शुरू होता है लंबर रीजन, लंबर की होती है टोटल 5 वर्टिब्री, और सेक्रम में होती हैं टोटल 6 वर्टिब्री जो इवोल्यूशन के साथ फ्यूज़ हो गई हैं। तो ये हमारे स्पाइनल कॉलम या फिर वर्टिब्रल कॉलम का डिज़ाइन है या डायग्राम है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है, ये होती है हड्डी का ढांचा, है ना। अब जैसा कि मैं बोल रहा था मेडुला एब्लोंगेटा जाती है, तो आप ये देखिए, ये जो आपको ये वाइट 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 वाइट, ये हड्डियाँ हैं हमारी सारी, ये वर्टिब्रीज हैं, है ना। अब इसका संरचना कैसी होती है कि हम ऐसे भी मूवमेंट कर लेते हैं, हम ऐसे भी मूवमेंट कर लेते हैं, हम ऐसे भी मूवमेंट कर लेते हैं। तो ये जो होती हैं, जो एक वर्टिब्री होती है, एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के बीच में इसे यहाँ पे होती है इंटर वर्टिब्रल डिस्क या कुशन होता है, और ये इस कुशन के थ्रू ये पूरी की पूरी वर्टिब्रियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और ये कुशन ही हमको एक मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप सोचिए ना कॉमन सेंस कि अगर ये कुशन नहीं होता, और अगर ये कुशन नहीं होता तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से फ्यूज़ हो चुका होता और हम मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड होते। तो पहले एक वर्टिब्री आती है, उसके बीच में एक इंटर वर्टिब्रल डिस्क आती है, फिर एक और वर्टिब्री आती है, फिर डिस्क आती है, और ये जो डिस्क होती हैं दो वर्टिब्री के बीच की डिस्क, यहीं से जो होती हैं नर्व निकलती हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे ब्रेन के कंट्रोल को स्थापित करती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये हड्डियाँ हैं, अब ये ब्रेन है काला वाला, और ये काला वाला ब्रेन है, और इससे जो ये ब्लैक कलर का एक कॉर्ड निकल रहा है, आप देख रहे हैं ये कॉर्ड अंदर जा रहा है, और यहाँ से आपको ये नर्व निकलती हुई दिख रही है कि दो वर्टिब्री के बीच से एक नर्व निकलती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये संरचना है, और ये जो होती है स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, है ना। और नर्व कैसे निकलती है, तो ये मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ कि ये हमारी वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री के अंदर ये जो तितली बनी हुई है, ये तितली है बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं से
कुछ छोटे छोटे फोरामेंस होते हैं इंटरवर्ट्रिबल डिस्क से, ये हमारी नर्व निकलती हैं, ये होती हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको ये कंपैरिजन क्यों बताया, मैंने आपको ये कंपैरिजन क्यों बताया कि भाई वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड क्या फ़र्क होता है, बिकॉज सर्वाइकल तो आप समझ गए कि शुरू की जो स्टार्टिंग की जो 7 वर्टिब्रीज हैं दोज आर सर्वाइकल, मतलब ये थोरेसिक के ऊपर तक है ना, गर्दन से इसके बीच में सिर्फ नेक नेक में, तो ये सर्वाइकल हो गया। स्पॉन्डिलाइटिस मतलब डीजेनरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज द स्पॉन्डिलाइटिस, समझिए। अब आप बोलोगे कि व्हाट इज नोन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो भाई वो माइलाइटिस होता है। माइलाइटिस एकदम डिफरेंट बीमारी है। लोग बोलते हैं कि भैया क्या होता है स्पॉन्डिलाइटिस में, बोले साहब इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। अरे नहीं भाई, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज द माइलाइटिस एंड देट इज द हार्ड कोर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना। वहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ये ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर में आता है, क्योंकि यहाँ पे हड्डी अस्थि रोग विशेषज्ञ के खेमे की बीमारी है, जबकि इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज अ हार्ड कोर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो न्यूरोलॉजिक डॉक्टर के खेमे की बीमारी है, दोनों में फर्क है। तो हमने समझा कि वॉट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल रीजन 7 वर्टिब्रीज, इनके अंदर जब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डीजनरेशन होता है। अब डीजनरेशन किस तरह से होता है कि ये जो 2 वर्टिब्रीज हैं, ये 2 वर्टिब्री हैं, इसके बीच में छोटा सा यहाँ पे अपन ने लगा दिया, क्या लगा यहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डीजनरेशन होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, दोनों सर्वाइकल वर्टिब्रीज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और यहाँ पे जो फोरामेंस होते हैं, फोरामेंस मतलब छोटे छोटी ओपनिंग होती है जहाँ से वर्टिब्रल नर्व निकलती है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए, उसका कंप्रेशन होने लगता है और अल्टीमेटली यही कंप्रेशन पेन में बदलता है, डिस्कम्फर्ट में बदलता है। एंड देन आफ्टर इन द होल सम मैनर दिस होल डिजीज इज नोन एज व्हाट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। अब आप इसके हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर मुझे फिर से जाना पड़ेगा अपने दूसरे वाले सीन में, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि नर्व सप्लाई क्या है। देखो कॉमन सेंस है, 1 2 3 4 5 वर्टिब्री हो गई, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे तो होती साथ है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 वर्टिब्री के बीच से एक नर्व निकली, फिर इन 2 के बीच से एक निकली, तो टोटल नर्व कितनी हो गई, 6 हो गई, नहीं ना। जैसे कि 5 उंगलियाँ हैं तो 5 उंगलियों के बीच में 5 के बीच में 4 स्पेस आ रही हैं, तो 4 नर्व हैं। इसी तरह से यहाँ पे 7 वर्टिब्री हैं, तो 7 वर्टिब्री के बीच में से 6 स्पेस हैं और वहाँ से नर्व निकल रही हैं। तो इसके सिम्टम बड़े सिंपल होते हैं भाई, कि ये जो 7 6 नर्व निकल रही हैं 7 वर्टिब्री के बीच की 6 स्पेस से, समझ लेना इसको अच्छे से, पॉज करके वापस सुन लेना, कि ये जो 6 नर्व निकल रही हैं 7 वर्टिब्री के बीच की 6 स्पेस से, इनमें से हर एक नर्व अलग जगह सप्लाई करती है। तो अब हम वो समझेंगे कि सप्लाई कहाँ करती है, क्योंकि कॉमन सेंस है कि जिस एरिया में सप्लाई करने वाली नर्व को कंप्रेशन से दबान पड़ेगा, मतलब जिस नर्व के अंदर वर्टिब्रल डिस्क के गैप कम होने के कारण नर्व कंप्रेशन होगा, तो जो सिम्टम है वो उस पार्ट में आएगा जिस यहाँ पे ये नर्व सप्लाई कर रही है। तो नर्व कहाँ सप्लाई करती है, अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, कि C2-3 कहाँ पे सप्लाई करती हैं, C2 और C3 सप्लाई करती हैं ऑक्सीपिटल रीजन में। C2-C3 ऑल्सो सप्लाई द साइड ऑफ नेक, मतलब ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नेक। C3-C4 आप देख रहे हो शोल्डर में सप्लाई कर रही हैं, C5-C6 अपर आर्म में सप्लाई कर रही है, C5 और C6 के कुछ ब्रांचेस लोअर आर्म में भी सप्लाई करती हैं, और यही होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण। कहने का मतलब C2 और C3 मतलब सर्वाइकल नर्व नंबर 2 और 3 में जब कंप्रेशन होगा तो जो पेशेंट को सिर्फ ऑक्सीपिटल हेडेक होगा और कुछ नहीं होगा। तो समझ रहे हैं आप, ये जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ प्रॉब्लम होगा, C3 और C4 के बीच में जब प्रॉब्लम होगा तो जो अपर आर ये अपना शोल्डर है, शोल्डर के रीजन में सर्वाइकल का पेशेंट बहुत फ्रिक्वेंटली पेन बताता है, अपर आर्म में पेन बताता है। वो अपर आर्म में पेन क्यों आएगा, C5 और C6 में जब कंप्रेशन होगा तो अपर आर्म में पेन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और जब कंप्रेशन होगा जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ और एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ C5 और C6, तो पेन आएगा नीचे, और सर्वाइकल के पेशेंट को वाकई में नेक का पेन है, वो कई बार अपर बैक में चला जाता है,
कई बार शोल्डर तक आता है, कई बार अपर आर्म में आता है, कई बार पूरे हाथ में आता है, एंड दिस इज व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। अब इसी को हम थोड़ा सा एक दूसरे एस्पेक्ट से दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया है साहब, ये पर्पल कलर का जो हिस्सा है ये पूरा सर्वाइकल नर्व सप्लाई का पूरा ये पर्पल कलर से रिप्रेजेंट करा गया है। तो सर्वाइकल नर्व जब भी कंप्रेस होगी, दिस इज द रीज़न कि जो भी नर्व कंप्रेस होगी, अगर अपर सर्वाइकल नर्व C2 C3 में कंप्रेशन है तो वो सिर्फ ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ हेड तक सीमित रहेगा, थोड़ा सा नेक तक सीमित रहेगा। अगर लोअर रीजन में है C4 C5 C6 के अंदर अगर कंप्रेशन है तो दैट पेन मे एक्सटेंड इन द अपर आर्म टू लोअर आर्म। क्यों? क्योंकि भाई उसका नर्व सप्लाई इधर पे है। तो ये कोई समझना कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट सीधे इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसके ऊपर जो काम करने वाली जो मेडिसिन होंगी वो होंगी क्लिनिकल, क्योंकि हमको एक वीडियो के अंदर ऐसी मेडिसिन बताना है जो कम से कम 70-80% लोगों को फ़ायदा दे दें। तो जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन विच आर इन द रेगुलर एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस इंडिकेटेड ऑन दिस डिजीज आर, पहली सिकुटा वेरोसा 30, ये सब गोलियों में लेनी है। मैं जितनी दवाएं बताता हूँ वो सब गोलियों के अंदर रिकमेंडेड होती हैं, 4-4 गोली दिन भर में 3 बार। द सेकंड मेडिसिन इज द लेजनेंथस टिंटोरिया, इसकी भी आपको 4-4 गोली दिन भर में 3 बार लेना है। और द थर्ड मेडिसिन इज द सिमिसिफ्यूगर सिमोसा 30 पोटेंसी 4-4 पिल्स 3 times a day। इन द क्रॉनिक केसेस जो कई सालों से सर्वाइकल से पीड़ित हैं उनको ये कुछ महीने देनी है, और अगर केस एक्यूट भी है तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 1-2 महीने तो इलाज चलेगा। उसका कारण है कि भाई जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि जो भाई दोनों वर्टिब्री के बीच की जो डिस्क है वो घिस गई है या फिर डिजेनरेट हो गई है। तो भाई ये डिजेनरेशन एक दिन का थोड़ा ही है, ये आज के आज थोड़ी हो गया कि कल से चालू हुआ आज ख़त्म हो गया और कल तुमको पेन होने लग गया, नहीं, ये क्रॉनिक होता है, ये इंटरनली चीज़ चल रही थी। आप ये बोलो कि हाँ मेरे को सिम्टम सर्वाइकल के पेन का आया है अभी पिछले महीने, पर इसको होने में लगे होंगे डेफिनेटली 1.5 से 2 साल। और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि व्हाट इज़ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द माइलाइटिस। और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ये जो मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं ये आप सभी पेशेंट अगर हैं तो आप अपने डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह के बाद खुद सेवन कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो आप अपने पेशेंट को ये डेफिनेटली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।